किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। हमारे साथ राकेश टिकैत है, इनसे बात करते हैं। राकेश जी, आज 26 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पर, सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी आया है, उस पर क्या विचार किया आप लोगों ने? नहीं, सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है अभी, कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आया, ना कोई बातचीत का कोई आया, किसी उसका कोई प्रस्ताव नहीं आया अभी, कोई प्रस्ताव नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा है कि हमने किसानों के पास एक प्रस्ताव भेजा है, लेकिन किसानों की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, हमारे पास तो जो चिट्ठी है वो उसमें पड़ रही है, उसका जवाब बना कर दे देंगे चिट्ठी का। तो हमारा जवाब है भाई, हमें ये तो मंजूर नहीं। आप बिल संशोधन की बात करते हो, बिल वापसी की बात करते हैं आप, MSP ऐसे ही रहेगी, थी, है और रहेगी, हम उस पर कानून बनाने की बात करते हैं। तो ये सारे सवाल हमारे हैं। आगे की रणनीति के बारे में बताइए कुछ, अब अगली रणनीति क्या है आप लोगों की? 26 दिन हो गए हैं। हाँ, हम तो यही रहेंगे, रणनीति क्या बनाऊंगे? जो अपना यहाँ पे आ गया, घर बार छोड़ गए, रणनीति तो अब सरकार को बनानी। आज किसान भूख हड़ताल पे भी जा रहे हैं, कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कब से कब तक? अभी देख रहे, उन्हें कहा कि आज से भूख हड़ताल शुरू करो, और विधिवत रूप से ये रहेगा कि 11-11 आदमी बैठाएंगे। आज उनकी सबकी लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी, और कल से, आज जितने बैठे बैठे कल से 11-11 आदमी वो जाना, यानी कि 11-11 आदमी भूख हड़ताल पर रहेंगे हर मोर्चे पे। कुछ किसान गाजियाबाद कल पहुंचे थे बिल समर्थन में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ है उनसे मिलका होंगे आज, कहाँ है वे? मिलका जानकारी लेंगे, देखे नहीं, क्यों जानना नहीं चाहिए उनको? यही जमना था उनसे, तो टेक्नोलॉजी उनके पास में कौन सी है वो उसकी जानकारी लेंगे हम भी। उनके एड्रेस बता दो, हमें उनके गाँव में चले जाएंगे। कहना कि अब आप वापसी के मूड में नहीं है बिल्कुल भी, सीधा सीधा है कि बिल वापसी होगा तभी हमारे घर वापसी होगी, जब भी वापसी होगी। ये राकेश टिकैत थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव की बात कही जा रही है कि इनके पास अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।